हाय फ्रेंड्स, आज 30 मई 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने माइक के साथ मास्क डिजाइन किया है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है केरल, इसका राइट आंसर है। त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के एक छात्र केविन जेकब ने अभिनव गैजेट बनाया है। यह विशेषकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपयोगी हो सकता है। गैजेट को लगातार 6 घंटे यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं केरल की। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा पेरियार वन्य जीव विहार केरल में है, इंडू की परियोजना केरल में है और सबसे ज़्यादा मसाले केरल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है अमेरिका, इसका राइट आंसर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुँचे हैं। वहाँ पर वह यूएनओ के महासचिव एंटोनियोस गुटेरेस से भी वार्ता कर सकते हैं। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति है जो बाइडन। और जो बाइडन की एक बुक है प्रोमिस मी डैड जो कि इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, इनकी भी एक बुक है सुपर हीरो आर एवरीवेयर जर्नी जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं जैसे कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और एक का तो नाम भी युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एटीएन ग्लिच पुरस्कार जीता है? ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है क्रिकेट, सी ऑप्शन है फुटबॉल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है हॉकी इंडिया, इसका राइट आंसर है। हॉकी इंडिया ने देश में खेल के विकास के योगदान में यह पुरस्कार जीता है। हॉकी इंडिया के कैप्टन मनप्रीत सिंह है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 20 मई 2009 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ कौन बने हैं? ए ऑप्शन है राजेश बंसल, बी ऑप्शन है बिन्नी बंसल, सी ऑप्शन है संजीव बंसल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है राजेश बंसल, इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक राजेश बंसल को रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का सीईओ नियुक्त किया है। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने जेनेवा ओपन का खिताब अपने नाम किया है? ए ऑप्शन है कैस्पर रूट, बी ऑप्शन है डेनिस शापोवालोव, सी ऑप्शन है क्रिस्टन अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कैस्पर रूड इसका राइट आंसर है। क्ले कोर्ट जेनेवा ओपन फाइनल में डेनिस शापोवालोवा ने 7-6, 6-4 से हराकर कैस्पर रूड ने यह खिताब अपने नाम किया है। 2020 में उन्होंने अर्जेंटीना ओपन खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है सुरेश मुकुंद, बी ऑप्शन है विजय थापर, सी ऑप्शन है श्रेयस तलपड़े, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है सुरेश मुकुंद, इसका राइट आंसर है। कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने शो वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में बिहार की शाही लीची निर्यात की गई है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है
ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बोरिस जॉनसन। इसके अलावा 2018 में लीची को जीआई टैग मिला था। बिहार के कुछ और पदार्थ हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे जरदालू आम, कतरनीय चावल और मगधी पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एसएचई परियोजना का अनावरण किया है? ए ऑप्शन है रिलायंस कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन है टाटा कम्युनिकेशंस, डी सी ऑप्शन है अडानी ग्रुप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है टाटा कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? ए ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बी ऑप्शन है अमित शाह, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया कप कब से कब तक स्थगित कर दिया गया है? ए ऑप्शन है 2021 से 2023 तक, बी ऑप्शन है 2021 से 2025 तक, सी ऑप्शन है 2023 से 2025 तक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 2021 से 2023 इसका राइट आंसर है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशियाई कप के 2021 संस्करण को 2023 तक स्थगित कर दिया है। बात करते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद की, तो इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 में की गई थी और इसके सदस्य देश हैं 25 और इसके सचिव हैं जय शाह और अध्यक्ष भी जय शाह हैं। इसके अलावा बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कृषि सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल के लिए एक कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं? ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है इजराइल, इसका राइट आंसर है। इजराइल और भारत ने कृषि सहयोग के विकास के लिए 3 साल के कार्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है, जिसको येरूसलम भी कहा जाता है और इसकी करेंसी है न्यू शेकेल और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने घोषणा की है कि 1 जून से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षाएं 1 जून 2021 से एग्ज़ाम फ्रॉम होम पैटर्न से आयोजित की जाएगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया है, वह किसके क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अंटार्कटिक महासागर इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एटलस वी रॉकेट लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये थी आज की क्लास, अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।